सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। और कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम बनाएंगे घर पर जलेबियाँ बहुत ही आसान और सरल तरीके से, और फटाफट ये जलेबियाँ बन जाएंगे। इसके लिए मैंने ले लिए एक कटोरी मैदा, आधा कप दही, थोड़ा सा हम डालेंगे खाना सोडा, मीठा सोडा जैसे बोलते हैं, या बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें। अब हम एक ले लेंगे बाउल बड़ा सा, उसमें डालेंगे सबसे पहले मैदा। अब हम इसमें डाल देंगे दही, जो कि हमने आधा कप लिया हुआ है। और इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे अच्छे से, ताकि दही और मैदा अच्छे से मिल जाए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा खाना सोडा, मैंने ये आधी चम्मच लिया हुआ है खाना सोडा। और जितनी मैदा क्वांटिटी हो, मैदा की क्वांटिटी उस हिसाब से आप डालिएगा दही और मैदा। ये थोड़ी सी मैदा में बहुत सारी जलेबियाँ बन जाती हैं, इसलिए आप पहले थोड़ी सी ही ट्राई करना। अब हम इसे पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छा पतला सा घोल बना लेंगे, जो कि ना ज़्यादा पतला होगा और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा। घोल ऐसा होना चाहिए जो जलेबी बनाने वाली कौन में से आराम से निकल जाए। तो इस मैदे को हम अच्छे से फेंट लेंगे, एक अच्छा सा घोल बन के तैयार हो जाएगा इसका। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, क्योंकि घोल हमको थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। अब देखिए, अब घोल बिल्कुल एकदम फिट है। इस तरह का घोल होना चाहिए, इस तरह का घोल कौन में से आराम से निकल जाएगा जिससे हम जलेबी बनाएंगे। देखिए, इस तरह से होना चाहिए घोल। अब इस घोल को हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। फ्रेंड्स, जब तक हमारी मैदा तैयार होगी फूल के, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं शुगर सिरप। इसके लिए मैंने ये छोटे 2 गिलास पानी ले लिया है, इसमें डाल दिया है। और अब हम डालेंगे इसमें 1.5 कटोरी चीनी, और 1 चम्मच की सहायता से इसे हम बराबर चलाते रहेंगे, ताकि ये चीनी भगोने के तली में लगे नहीं। और इसमें 1 छोटी इलायची हम तोड़ के डाल देंगे, ताकि इसमें खुशबू आ जाए इलायची की चाशनी में। और चाशनी फ्रेंड्स इस तरह की होनी चाहिए जैसे हम रसगुल्लों की बनाते हैं। एक तार की चाशनी नहीं बनेगी इसके लिए, आधे तार की चाशनी बनेगी, मतलब थोड़ी सी चिपकने लगे उंगलियों पे, तो समझ लो चाशनी तैयार है। अब ये देखिए, मैंने एक कोन बना ली है पॉलीथीन से, मेहंदी के कोन बनाते वैसे ही। और इसमें अब हम अपने डालेंगे मैदा, और अब हम बनाएंगे जलेबियाँ। जलेबियाँ बनाने के लिए हमें कोन को थोड़ा सा काटना पड़ेगा आगे से, ताकि मोटी, थोड़ी सी मोटी हो जाए कोन। और इस तरह से हम पास पास गोल गोल करके जलेबियाँ बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जलेबी कुरकुरी टेस्टी क्रिस्पी तैयार हैं। फ्रेंड्स, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि जलेबी कभी भी एकदम से गर्म चाशनी में नहीं डाली जाती हैं, नहीं तो ये मुलायम और सॉफ्ट हो जाएंगी। थोड़ी सी चाशनी नॉर्मल हो जाए तभी डालना, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप मेरे चैनल पर आए, पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल वाला बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिएगा।